हेलो फ्रेंड्स, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रमुख पवित्र धाम है जो लाखों भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। ये ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनमें से प्रत्येक धाम की अपनी पौराणिक कथा और महत्व है। तो ज्योतिर्लिंग वास्तव में क्या है? ज्योतिर्लिंग शब्द दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, ज्योति जिसका अर्थ है प्रकाश और लिंग जिसका अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। भारत भर में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें से प्रत्येक हिंदू पौराणिक कथा हो और आध्यात्मिक महत्व से एक विशेष स्थान रखते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 12, घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल महाराष्ट्र में है जो कि प्रसिद्ध एलोरा गुफा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जो छत्रपति संभाजी नगर जिसे औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता है वहां से 35 किलोमीटर के दूरी पर है। शिव पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। नंबर 11, विश्वनाथ। ये मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां एक हिंदू से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा अवश्य करे तथा यदि संभव हो तो वह अपने पूर्वजों के अवशेषों को गंगा नदी में प्रवाहित भी करे। ये मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये मंदिर वहां बसा है जिसका 3500 साल पुराना इतिहास दर्ज है। इसे काशी भी कहा जाता है। नंबर 10, नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में दारुका वनम नामक जंगल में स्थित है। ये मंदिर सभी विषयों से सुरक्षा का प्रतीक है और कहा जाता है कि जो भी कोई यहाँ पूजा करता है वो सभी प्रकार के भय और खतरों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। जामनगर से ये जगह 130 किलोमीटर के दूरी पर है और द्वारका से सिर्फ 16 किलोमीटर के दूरी पर है। नंबर 9, बैद्यनाथ। बैद्यनाथ मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड राज्य के संथाल परगना डिवीजन के देवघर में स्थित है। इस मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ के केंद्रीय मंदिर के साथ साथ 21 और मंदिर शामिल है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है और भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 8, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जिसे श्री शैल भी कहा जाता है, यह मंदिर आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के कुर्नूल जिले के एक पहाड़ पर स्थित है। ये मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से समृद्ध है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंगम एक साथ है। आदि शंकराचार्य ने अपने शिवानंद लहरी की रचना यही की थी। नंबर 7, केदारनाथ। उत्तराखंड के केदारनाथ को भगवान शिव के शाश्वत निवास के कैलाश पर्वत के सबसे उत्तरी और निकटतम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ हिंदू धर्म के छोटे चार धाम तीर्थयात्रा सर्किट का एक हिस्सा है। बर्फ से ढके हिमालय में बसा केदारनाथ एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। बर्फ से ढकी चोटियों और मंदाकिनी नदी से घिरा केदारनाथ न केवल एक आध्यात्मिक डेस्टिनेशन है बल्कि एक प्राकृतिक आश्चर्य भी है। मंदिर तक केवल ट्रैक द्वारा पहुंचा जा सकता है जो तीर्थ यात्रा में रोमांच का एहसास जोड़ता है। नंबर 6, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के भीमाशंकर से कुछ दूरी पर है। ये जगह नासिक से 30 किलोमीटर के दूरी पर है। ये पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 मुखों वाला लिंग है। नंबर 5, रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। ये ज्योतिर्लिंग 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं इसकी पूजा की थी। यहाँ पर मंदिर के शानदार गलियारे देखने के लायक है। नंबर 4, भीमाशंकर। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के भीमाशंकर गांव में स्थित है जहाँ से भीमा नदी निकलती है। भीमाशंकर वन को डाकिनी वन के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर कल्याण से 180 किलोमीटर के दूरी पर है। महाराष्ट्र की हरी भरी सह्याद्री पहाड़ियों में हमें भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मिलता है। ये जगह घने जंगलों और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। नंबर 3, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के मादंता शहर में स्थित है जो कि नर्मदा नदी पर है और यहाँ एक ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर मंदिर स्थित है। ये जगह उज्जैन से 143 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार देवनागरी ओम चिन्ह जैसा है। नंबर 2, महाकालेश्वर।
ये जगह मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है। महाकाल का लिंगम स्वयंभू माना जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा है। ये दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र मंदिर भी है और गर्भगृह की छत पर श्री रुद्र यंत्र उल्टा रखा हुआ है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ शक्ति पीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। नंबर 1, सोमनाथ। सोमनाथ ये जगह जूनागढ़ से 82 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन वेरावल में स्थित है। ये मंदिर 16 बार नष्ट और फिर से निर्मित किया गया। ये मंदिर पूरे भारत में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अरब सागर के तट पर स्थित इस मंदिर की दृढ़ता भक्ति की अमर भावना का प्रमाण है। ये 12 ज्योतिर्लिंग की एक अनूठी कहानी और महत्व है, जो उन्हें न केवल पूजा स्थल बनाता है बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी बनाता है। तो क्या आपने इनमें से किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, या इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग आपका पसंदीदा है, ये बताने के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हाय, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।